आइए, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक सॉक्स लेके आई हूँ, बेबी सॉक्स लेके आई हूँ जो कि एक फंदों से शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे सिलाई पे। सिलाई हमारी 10 नंबर की है और 4 प्ले ऊन है। आप इस सॉक्स को कितने बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, बच्चे बड़े किसी के लिए भी बना सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम एक फंदे से शुरू करेंगे। इसे इस तरह से बुनते हुए देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई डालेंगे। अब ये धागा को इसके ऊपर से इस तरह से घुमाएंगे, घुमाते हुए नीचे सिलाई देंगे और यहाँ पे हम इस फंदे को बुन लेंगे। तो हमारे एक फंदे से 2 फंदे हो गए। देखिए यहाँ पे इस फंदे को हम टाइट कर देंगे, उल्टे साइड आ जाएंगे। इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे हो गए। पहला फंदों को बुनेंगे, अब एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे इस तरह से, सिलाई के ऊपर से इस तरह से घुमाती हुई आपको लाना। देखिए सिलाई के ऊपर से धागा चढ़ाएंगे, सिलाई के ऊपर से धागा चढ़ाना है। इधर से लाते हुए हम यहाँ इसको बुनेंगे। तो हमारे 2 फंदे हो गए और जो हमने एक फंदा बढ़ाया था इसे भी हम बुन लेंगे। यहाँ पर 3 फंदे हो गए, फिर इधर पलटेंगे हम। तो मैंने इस सॉक्स को 25 फंदे तक बनाया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इस तरह से डालेंगे, इस धागे को सिलाई के ऊपर से डालना है इस तरह से और यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे ऐसे। तो मैं आपको यहाँ 10 फंदों पर बता रही हूँ कि इसको बुनने के बाद फिर घटाना किस तरह से है। तो हमारे पास 4 फंदे हो गए। देखिए फिर से इस तरह से लेंगे, फंदे बढ़ाएंगे, इधर से सिलाई के ऊपर से चढ़ाना है धागे को, फिर नीचे के साइड से इसकी बुनाई करेंगे। देख टोटल 3, 4 और ये 5 फंदे हो गए मेरे पास। इधर पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए फिर से हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे। ऐसे लिए हमने ये धागा इसके ऊपर से, ऐसे करके लाने के बाद नीचे से लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाया हमने, इधर से पकड़ेंगे धागे को। अब यहाँ से इसकी बुनाई शुरू करेंगे हम, इस तरह से उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे और ये 6 फंदे। फिर से इधर पलटेंगे, फिर से इसी तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे लिए हमने सिलाई के ऊपर से हम फंदे लेंगे। तो यहाँ हमारे इस तरह से घुमाने से हमारा एक फंदा यहाँ पे साइड में बढ़ जाता है। बीच में अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमारी जाली पड़ जाएगी, अगर जाली वाले बनाते हैं तो 3 हो गई। टोटल हमारे यहाँ पास 7 फंदे हो गए। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम ऊन लगती है ये आपके। 10 से 12 मिनट में एक सॉक्स बन के रेडी हो जाती है आपकी ये। देखिए इधर पलटेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, हर सिलाई पर एक फंदा बढ़ाना है आपको। इस तरह से लिया हमने, फिर इस तरह से लेंगे, बढ़ाया, 3 फंदे हो गए, 4 फंदे, 5 फंदे, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे हो गए मेरे पास। फिर से लेंगे, इधर पलटेंगे, शुरुआत के फंदे में हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। इस तरह से लेंगे, धागे को लेंगे, इसके ऊपर से चढ़ाते हुए नीचे सिलाएंगे, क्रॉस कर देना है सिलाई को हमारे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हो गए, 2 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 फंदे हो गए हमारे पास। फिर से इधर पलटेंगे हम, यहाँ पे सिलाई डालेंगे, धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए क्रॉस करते हुए लाना है हमें। क्रॉस करेंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ 2 फंदे हो गए, ये 3रा फंदा, 4था फंदा, ये 5वां फंदा, 6ठा फंदा, ये 7वां फंदा, ये 8वां फंदा, ये 9वां फंदा और ये 10वां फंदा। टोटल हमने 10 फंदे यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैंने जो सॉक्स बनाई है मैंने 25 फंदे रखे, उसके बाद फंदे को घटाया हुआ है। अब यहाँ से इधर पलटेंगे हम। अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे नॉर्मल उल्टा उल्टा बना लेंगे, एक ही सिलाई बनाएंगे हम, उसके बाद से फिर हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। एक सिलाई हमने उल्टी निकाल ली इस तरह से, देख एक सिलाई बनके कंप्लीट हो गई हमारी। अब इधर से हम फंदे को घटाना शुरू करेंगे। क्या देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदे हमने एक साथ लिए,
फिर से यहाँ पे बुनना शुरू कर देंगे। शुरुआत में दो फंदों का एक फंदा करना है आपको, और लास्ट में भी आपका दो फंदों से का एक फंदा कर लेना है आपको। लास्ट में दो फंदे रहेंगे, एक ही सिलाई में आपको दो बार फंदे घटाने हैं, शुरुआत में और लास्ट में। उल्टे फंदे में हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। इस तरह से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, तब हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे रह गए हमारे पास। इधर पलटेंगे, फिर से दो दो फंदे लेंगे, देखिए यहाँ पे दो फंदे लेंगे, यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया, दो का एक कर लिया हमने। अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में आपके फिर से दो फंदे हमें घटाने हैं। यहाँ पे आएंगे, दो का एक कर देंगे, फिर उल्टे साइड आएंगे, सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो एक बच गया, ये दूसरा फंदा, 3 हो गई, 4, 5 और ये 6, टोटल हमारे पास अभी 6 फंदे बच गए। फिर से हम इधर फंदे घटाएंगे, शुरुआत के दो फंदे लेंगे इस तरह से, फिर बीच में दो फंदे बुनेंगे, एक और ये दो, फिर लास्ट में दो फंदे रह जाएंगे, इसे भी हम इस तरह से घटा लेंगे। तब हमारे पास 4 फंदे बच गए, देखिए इधर उल्टे साइड आएंगे, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे हम। इस तरह से फिर से सीधी तरफ आएंगे, दो का एक करेंगे, ऐसे लिया हमने, फिर से दो का एक करेंगे, इधर पलटेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, फिर से उल्टा बनाएंगे, इधर पलटेंगे हम। अब देखिए दो का एक कर देंगे, या दो फंदों का एक कर देना आपको इस तरह से। अब लास्ट में आपके एक फंदे रह जाते हैं, अब क्या करना, धागे को लंबा करते हुए खींचते हुए इसके अंदर से डालते हुए हम धागे को टाइट कर लेंगे इस तरह से, ऐसे खींच के हमें इसे टाइट कर देना। तो यहाँ पे हमारी ये स्क्वायर शेप में बन के आ जाती है, देखिए। तो यहाँ पर मैंने बना के रखो, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, मैंने इस तरह से 3-ply मल्टी कलर जो होती है उससे मैंने यहाँ पे बनाया, जो 3 तार वाली होती है, देखिए हल्की हल्की इसमें रोएं जिसमें होती है, देखिए इससे मैंने बनाया है। तो टोटल इसमें मैंने 25 फंदे रखे हुए, 25 फंदे के बाद फिर से मैंने इसमें घटाया हुआ है। तो चलिए सिलने का तरीका बताती हूँ, अभी तो एक सिलने का तरीका आज बताऊँगी और एक नए डिज़ाइन का सिलने का तरीका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगी। इसे सिलना शुरू करेंगे, अगर आप इंच टेप से नापते हैं तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच रखी है, चारों कोने नापेंगे आप तो 3.5 इंच ही निकलेगी आपकी ये, क्योंकि चारों तरफ ये बराबर है। इस तरह से करेंगे, जिधर से भी करेंगे आपकी ये बराबर ही दिखेगी ये इस तरह से। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू कर लेते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे स्क्वायर शेप में, इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से पलट लेते हैं, चुटकियों में बन के रेडी हो जाती है आपकी, और ऊन इतनी कम लगती है कि विश्वास नहीं होगा आपको इसे। तो ऊन की भी बात कर लेती हूँ मैं कि ऊन इसमें कितनी लगी है, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। अब देखिए इस भाग को हमने तो इसे सिल लिया है, अब कैसे सिलना है, इसे दो फोल्ड करेंगे इस तरह से, इसे बराबर करेंगे, जहाँ तक बराबर आ जाए हमारी ये फोल्ड यहाँ तक, ये भाग को हम खुला छोड़ देंगे और यहाँ से सिलते हुए हम इधर आना है हमें, देखिए यहाँ से इसे लेंगे, यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे और यहाँ हम इतनी दूर छोड़ देंगे, लगभग 1/2 इंच तक इसकी छोड़ देंगे, ताकि हम इसमें गोलाई में सिल सकें। चलिए तो सिलना बहुत ही आसान है, इस तरह से सिलते हुए हम जाएंगे, जैसे सिलते हुए यहाँ तक आना है, इतना छोड़ देना है हमें। अब देखिए इसकी गोलाई में सिलेंगे हम, यहाँ जितनी आपकी उंगली पार हो जाए इतने आपको छोड़ना है, और छोड़ते हुए देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, जैसे हर बार मैं बताती हूँ आपको, ऐसे लेंगे,
उसे निकालेंगे, इधर डालेंगे, एकदम साइड वाली चेन में डालना है आपको इस तरह से। अब इसको खींच लेंगे इस तरह से ताकि हमारी गोलाई में आ जाए। अब यहाँ से एक यहाँ पे धागे को घुमाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे धागे को काट लेंगे तो यहाँ पे आपके ये सॉक्स बन के रेडी हो जाती है। इधर से मैंने देखे कुछ इस तरह से ये दिखेगी, कितनी प्यारी सर, कितनी खूबसूरत। आप अपने मन चाहे कलर में बनाए इसे, तो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी आपको बता दिया किस तरह से आप अपने इसमें मैचिंग करते हुए इसको सिलाई करें इसमें, ताकि सिलाई दिखे मैंने किस तरह से किया हुआ है, वो मैं बताने के लिए सिर्फ इसमें जल्दी जल्दी बताई हूँ। और जब इसको सिलाई करेंगे बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से एक छोटी सी बूटी बन के आ जाएगी। देखिए अरे यहाँ पे आप कोई फ्लावर या बोटा या फिर आए यहाँ पे बटन या पॉम्पम कुछ भी लगा सकती हैं, या फिर आप इसमें कोई फेस बना के इसमें भी लगा सकती हैं। तो चलिए बनाइए, मैं कमेंट करके जरूर बताएं ये प्यारी सी बूटी कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।